subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan 2.4. Please listen. Warming up chit chat की activity में आप तमाम का स्वागत है. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आते होंगे. हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को आखिर तक देखिए. हर वीडियो के साथ में हम एक लिंक दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, उस लिंक को भी आप देखते रहिए. लेट्स बिगिन चिट चैट. व्हाट मेक्स यू लाफ, कौन सी चीज़ों से आपको हंसी आती है? कॉमिक्स पढ़ने से, कॉमिक स्टोरीज से, जोक सुनने से, कॉमेडी सीन्स देखने से, कॉमेडी फिल्में देखने से, सीरियल देखने से हमें हंसी आती है. व्हाट मेक्स यू एंग्री, आप किस चीज़ पर गुस्सा होते हो? इरिटेटिंग सिचुएशंस मेक्स मी एंग्री, यानी जो इरिटेट करने वाली चीज़ें हैं उससे मुझे गुस्सा आता है. व्हाट मेक्स यू सैड, आप कौन सी बातों से गमगीन हो जाते हो? व्हेन आई सी द पुअर पीपल एंड सिचुएशंस ऑफ सैडनेस आई बिकम वेरी सैड, जब मुझे गरीब लोगों को देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाता हूँ. व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कौन सी चीज़ों से आपको बहुत खुशी होती है? व्हेन आई सी फ्लावर्स, फ्रेंड्स एंड गुड पीपल, डैट मेक्स मी हैप्पी. लेट्स बिगिन, प्लीज़ लिसन, ज़रा गौर से सुनिए. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड. अब इस पोएम में शायर पोएट क्या कहता है? व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे सुनिए, एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, आप अपने आप को क्या करते हैं, आप मुझे मशवरा देना करते कोशिश करते हैं. यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, और तुम वो नहीं करते जो मैं कहता हूँ, यानी मेरी बात सुनने के बजाय तुम क्या करते हो, मुझे ही मशवरा देते हो और मुझे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देते हो. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं कहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, एंड यू बिगैन टू टेल मी व्हाई, तुम मुझसे बात करने की कोशिश करते हो, मुझे समझाने की कोशिश करते हो, क्यों करते हो ऐसा. आई शुडंट फील डैट वे, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स, और मैं वैसे ही नहीं सोचता हूँ जैसे कि तुम मुझे क्या करते हो, ट्रैम्पलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैम्पलिंग, यानी कि तुम मेरी बातों को रद्द कर देते हो, उसकी इज्जत नहीं करते, मेरी बातों को नहीं मानते, उसकी बेहरमती करते हो. आई शुडंट फील दैट वे, मैं ऐसे नहीं सोचता, ऐसे नहीं महसूस करता. यू आर ट्रैम्पलिंग मी, और तुम क्या करते हो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचानते ही नहीं और मेरी हतक करते हो, बेइज्जती करते हो. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं आपसे कहता हूँ कि तो आप मुझे सुनो, एंड यू फील यू हैव टू बी टू डू समथिंग, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ करना है. टू सॉल्व माई प्रॉब्लम यू हैव फेल्ड मी, स्ट्रेंज एज डैट मे सीम, और ऐसा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है मुझे कि When I ask you to listen to me, जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, and you feel you have to do something, तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम खुद ही ऐसे काम कर सकते हो. To solve my problem, मेरे मसले हल करने के बजाय, मेरे काम करने के बजाय, you have failed me, तुमने नाराज़ किया, मुझे नाकाम कर दिया. Strange as that may seem, और ऐसा लगता है कि तुम मुझे डरा रहे हो, या फिर वो अजीब किस्म का बर्ताव कर रहे हो. Listen. अब क्या कहता है यहाँ पोएट कहता है, लिसन, सुनो. ऑल आई आस्क इज डैट यू लिसन, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो आपको सुनना चाहिए. डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी, बिल्कुल ऐसा सोचो मत और मेरी बात सुनो, बात बिल्कुल मत करो और कुछ काम भी मत करो, बस सुनो मेरी बात. एडवाइस इज चीप, मशवरे देना तो बहुत आसान है. 20 cents विल गेट, इसके सिर्फ 20 cents ही मिलते हैं. You both, dear Abby and Billy Graham, in the same newspaper. और क्या कहते हैं कि तुम जो मशवरे देते हो, ऐसे Abby और Billy Graham दोनों भी अखबार में ऐसे मशवरे देते रहते हैं. And I can do for myself, I am not helpless. मेरा काम मैं खुद कर सकता हूँ, मैं तो मजबूर नहीं हूँ, helpless नहीं हूँ, बेयार और मददगार नहीं हूँ. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. डिस्करेज, ना उम्मीद होना, फाल्टर होना यानी लड़खड़ाना, हेल्पलेस होना यानी कि बेमदद होना. अब यहाँ क्या कह रहा है, मे बी डिस्करेज, मैं बेहिम्मत हो सकता हूँ, एंड फाल्टरिंग, और मैं लड़खड़ा सकता हूँ, बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं मजबूर नहीं, मैं अपने आप को मायूस नहीं समझता. व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी डैड आई कैन, लेकिन जो क्या कहता है यहाँ पर,
जो काम मैं खुद कर सकता हूँ इसे करना मेरे लिए ज़रूरी है एंड नीड टू डू माई सेल्फ, और मुझे वो करना ही चाहिए, मैं उसे वो काम मेरे लिए आप करना ही चाहिए। यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इन एडुकेसी, लेकिन आप क्या करते हैं, फियर यानी खौफ, इन एडुकेसी यानी कि कमज़ोरी, आप क्या करते हो, मुझे रोकते हो, मेरा काम करते हो, मेरे खौफ को, मेरी कमज़ोरी को बढ़ा देते हो। बट वैन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट डेट आई फील वट आई फील, लेकिन आप अगर उसे कबूल करते हो, मेरी बात समझने की कोशिश करते हो, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं समझता हूँ, नो मैटर हाउ इरेशनल, और इसमें कोई बात ही नहीं है कि कैसी गैर माकूल बात है, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, तो उस वक्त क्या करूँगा मैं, उस वक्त मैं रुक जाऊँगा, आपको कन्विंस नहीं करूँगा, यकीन नहीं दिलाऊँगा कि मैं सही हूँ। कन्विंस करना यानी यकीन दिलाना, एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस, और इस काम के बारे में आगे बढ़ता रहूँगा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड, और इसे समझने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे छुपी हुई कौन सी बात है, दिस इरेशनल फीलिंग, और इस गैर रस्मी गैर माकूल बात को भी समझने की कोशिश करूँगा। एंड वेन डैट्स क्लियर द आंसर्स आर, लेकिन जब ये बात साबित हो जाएगी तो इसका जवाब आपको मिलेगा, ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस, जो यकीनी होगा, ऐसा ही होगा, साफ होगा, ऑब्वियस यानी साफ, जैसे कि एडवाइस यानी मशवरा, आई डोंट नीड एडवाइस, जैसे कि मुझे आपके मशवरे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन, यानी गैर माकूल बातें जो होती है वो ऐसी है जैसे कि इसमें कोई बहुत ही सेंस है, ये सेंसलेस नहीं है, यानी जिसमें शऊर की बात है, सोच की बात है, अच्छी बात है। वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, और हम समझते हैं इसके पीछे कौन सी बात छुपी हुई है। परहैप्स दैट्स व्हाई प्रेयर वर्क्स समटाइम्स, इसलिए कि इसीलिए हम समझते हैं कि कई मरतबा दुआएँ कबूल होती है, और उसे दुआएँ ही काम करती है। समटाइम्स बाज़ औक़ात फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज़ म्यूट, क्योंकि कुछ लोगों की दुआएँ उस वक्त कबूल होती है चूँकि हमारा खुदा खामोश रहता है, एंड ही डजंट गिव एडवाइस, और वो हमें मशवरे नहीं देता, और ट्राई, और वो कोशिश भी नहीं करता टू फिक्स थिंग्स, अपने तौर पर चीज़ें तय करने की, बातें मुकम्मल करने की। गॉड जस्ट लिसन्स एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ, खुदा सिर्फ सुनता है, तुम्हारा काम तुम्हें ही सौंपता है, तुम्हें ही करना है, सो प्लीज़ लिसन, इसलिए ज़रा गौर से सुनिए, मेहरबानी करके गौर से सुनिए, एंड जस्ट हियर मी, और मुझे ज़रा गौर से सुनिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक, और अगर आप बात करना चाहें, वेट अ मिनट, एक मिनट इंतज़ार कीजिए फॉर योर टर्न, अपनी बारी के लिए, एंड आई विल लिसन टू यू, और मैं आपकी बातों को सुन लूँगा, गौर करूँगा। इसके आथर अननोन है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।